दोस्तों ये कहानी एक बूढ़ी औरत की जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऑर्गेज्म फील नहीं किया था और इसीलिए वो एक जिगोलो को हायर करती है। अब क्या वो जिगोलो उसे प्लीज कर पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हम 60 साल की लेडी को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है। अपने 30 साल के मैरिज लाइफ में उसने कभी भी ऑर्गेज्म फील नहीं किया था और बस इसी फीलिंग की तलाश में नैन्सी एक प्ले बॉय को हायर करती है जिसका नाम लियो ग्रांडे है। और नैन्सी उसे होटल के एक कमरे में आने को कहती है, लेकिन उसके आने पर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी प्ले बॉय के साथ ये सब नहीं किया था। लेकिन वो साथ ही यहाँ एक्साइटेड भी होती है, इसलिए वो लियो से कहती है कि वो जल्दी से वो सब करे जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया है। पर लियो यहाँ उसकी नर्वसनेस को भाप लेता है और वो उसे काम और चिल करने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है, जहाँ बातों के दौरान नैन्सी बताती है कि उसने आज तक ऑर्गेज्म को फील नहीं किया। उसके हस्बैंड की भी कुछ सालों पहले मौत हो गई जहाँ पहले वो उसके साथ इंटीमेट होती थी, लेकिन उसे कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आई और आज वो उसी फीलिंग के तलाश में यहाँ आई है। लेकिन जब लियो उसे इंटीमेट होने के लिए अप्रोच करता है तब नैन्सी अपने एज को लेकर काफी नर्वस हो जाती है। तब लियो बताता है कि वो एक बारी 82 इयर्स की लेडी के साथ इंटीमेट हुआ था और ये सुनकर नैन्सी थोड़ी रिलैक्स होती है और बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ पिछले 30 सालों से सेम पोजीशन में करती आई है। यहाँ तक कि वो खुद हमेशा से ओरल ट्राई करना चाहती थी लेकिन उसके हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं था, जिस कारण उसकी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। जिसके बाद नैन्सी अपने साथ हुई एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि जब वो 20 साल की थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ ग्रीक गई थी जहाँ उसे एक लड़का पसंद आया था। और एक दिन जब वो रात को घर के बाहर टहल रही थी तब वो लड़का उसे किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगा जिससे उसे अच्छा फील हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ और कर पाते किसी ने अपने कार के हॉर्न को बजाना शुरू कर दिया जिसकी आवाज को सुनकर वो लड़का वहां से भाग गया और फिर वो लड़का नैन्सी को कभी दिखा ही नहीं। अब ये स्टोरी सुनाते वक्त नैन्सी इंटीमेसी के लिए तैयार हो चुकी थी जिस पर लियो टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नैन्सी वापस से लियो को होटल के कमरे में बुलाती है और अब क्योंकि नैन्सी एक टीचर थी इसलिए इस बारी वो एक लिस्ट बनाकर आई थी कि इस बार उसे क्या क्या चीजें ट्राई करनी है। यहाँ नैन्सी बताती है कि उसे लास्ट टाइम ऑर्गेज्म फील नहीं हुआ और इस बार वो 4 पोज ट्राई करना चाहती है क्योंकि लियो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शायद से वो वापस से उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। नैन्सी सबसे पहले ओरल ट्राई करना चाहती है जिसे उसने अपने लिस्ट के सबसे ऊपर रखा था, लेकिन वो वापस से नर्वस जाती है जिसके बाद लियो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो नैन्सी को मसाज देता है जहाँ नैन्सी लियो को अपना शर्ट खोलने को कहती है, लेकिन फिर वो खुद लियो के बदन को देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने आज तक इतने हैंडसम लड़के को इस तरह नहीं देखा था। जिस पर लियो बताता है कि उन्हें अपने फिगर को मेंटेन करके रखना पड़ता है जैसा क्लाइंट चाहते हैं। इसके बाद जब लियो नैन्सी को अनड्रेस होने का कहता है तब नैन्सी लियो के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है, जिस पर लियो से समझाता है कि उसकी बॉडी भी बहुत खूबसूरत है। इसके बाद नैन्सी लियो से पूछती है कि क्या तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर लियो कहता है कि ये तो उसका काम है और वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, वो तो वुमेन को प्लीज करता है और इसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। साथ ही एक वुमेन उसे जितनी बार बुक करती है वो उसके साथ उतनी ही कॉन्फिडेंट होती जाती है। अब ये सुनकर नैन्सी थोड़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लियो से बार बार बुक करने को कह रहा है, जिसके बाद लियो उसे शांत करता है और फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो वापस से रुक जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो लियो को अच्छे से ओरल दे भी पाएगी या नहीं, जिस पर लियो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि थोड़ी देर में वो भी सीख जाएगी। और ये सुनकर फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देती है, जिसके थोड़ी देर बाद दोनों अपनी पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं जिससे नैन्सी को काफी सेटिस्फाइंग फील होता है। इसके बाद फिर नैन्सी कहती है कि उसने थोड़ी रिसर्च की थी और उसे पता चला कि लियो का असली नाम कुछ और ही है। अब ये सुनकर लियो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हमारी ये आखिरी मीटिंग थी और आगे से मुझे कभी बुक मत करना। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि नैन्सी लियो को कॉफी के लिए बुक करती है जहाँ की वेटरेस उसकी ही एक स्टूडेंट निकलती है। और जब लियो वहाँ आता है तब नैन्सी अजीब अजीब सी बातें करने लगती है ताकि उसकी स्टूडेंट को कुछ पता ना चल जाए, जिसके बाद लियो उस वेटरेस से कहता है कि आज हमारी कार को बेचने को लेकर मीटिंग है। और फिर नैन्सी और लियो बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ नैन्सी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, जिस पर लियो कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था। इसके बाद नैन्सी कहती है कि वो जब से लियो के साथ इंटीमेट हुई है उसे रियल प्लेजर का मतलब समझ आ गया और उसने यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड को भी लियो के बारे में बताया है ताकि वो भी कभी लियो को बुक कर सके। यहाँ नैन्सी लियो को अपने काम के बारे में बताती है कि वो एक टीचर है। तभी वहाँ वो वेट्रेस आ जाती है और वो नैन्सी के बारे में बताती है कि असल में नैन्सी एक मजहबी टीचर है
जो लड़कियों को हमेशा छोटी कपड़े पहनने से रोकती है। तभी जब वो वेट्रेस बिल लाने के लिए जाती है, तब लियो बताता है कि उसने अपने भाई को बता दिया कि वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है, जिससे उसके और उसके भाई के बीच कोई बदलाव नहीं हुआ, जिस बात की उसे खुशी है। आगे लियो बताता है कि जब वो केवल 15 साल का था, तब उसकी मॉम कुछ समय के लिए बाहर गई थी। इसी बीच लियो अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में पार्टी करने लगा था, और जब लियो की मॉम को ये सब पता चला, तब लियो की मॉम ने उसे घर से निकाल दिया। और इसके बाद वो हालांकि अपनी मदर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मदर अब भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसी दौरान वो वेट्रेस वापस से आ जाती है, जहाँ नैन्सी उसे माफी मांगती है कि उसे उन लड़कियों के कपड़ों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। साथ ही वो यहाँ लियो के बारे में बताती है कि लियो एक जिगोलो है और वो उसके साथ इंटीमेट हो चुकी है। इसके बाद वापस से दोनों होटल के एक कमरे में जाते हैं, जहाँ नैन्सी अपने लिस्ट की आखिरी चीज को भी ट्राई करती है, जिसके बाद लियो उठकर पानी पीता है और अपने फिंगर में एक टॉय लगाकर नैन्सी के साथ वापस से इंटीमेट होता है, जिसके बाद फाइनली नैन्सी प्लेजर फील करती है और ये देखकर लियो भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद लियो उसे गुड बाय कहता है और नैन्सी भी यहाँ उसे कहती है कि ये उसकी आखिरी मीटिंग थी। और फिर लियो के जाने के बाद नैन्सी एक बार फिर से अपने शरीर को आईने में देखने लग जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।